सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की जो कुछ भी रिसर्च कर रहे बिना इंस्टाग्राम के ऊपर हगने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ शिवम मलिक की, जो हमेशा ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर बेबी बॉय बना घूमता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गाली के। आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी भी अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, यूट्यूब ने मना किया हुआ है उन्हें कि हाँ भाई, यूट्यूब वाले तुम्हें स्पेशली बताने के लिए आए होंगे। नहीं ले भाई, खोल दिया अपने यूट्यूब चैनल, अब क्या करेगा। रोनाल्डो ने ना एक ही दिन में ना 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। सो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यूट्यूब वाले रोनाल्डो के घर के बाहर गोल्डन बेल बटन लेके घूम रहे थे क्या, और वो कहाँ गए वो चूतिए जो ये बोल रहे थे कि इन तीन कारण की वजह से रोनाल्डो अपना चैनल नहीं खोल सकता। ले भाई, खोल दिया। अरे शिवम भाई, अगर वो यूट्यूब पे आते भी है ना, तो उससे फायदा यूट्यूब वालों का ही है। सारे प्लेटफॉर्म्स डरते हैं कि अपना अकाउंट यहाँ ओपन ना कर ले, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ जाएगी इनके व्यू के हिसाब से कि क्रैश तक हो सकता है प्लेटफॉर्म। और आप क्या बोल रहे थे, पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। गूगल के पास ना इतने पैसे है कि वो रोनाल्डो मलिक के लिए और एक नया सर्वर ले ले, और जो पूरी दुनिया का सर्वर चलाते हैं गूगल, उसका क्या, तब तो सर्वर क्रैश नहीं होता। पर रोनाल्डो भाई के आने से सर्वर क्रैश हो जाएगा। आज के दिन 26 अगस्त को 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो भी चुके हैं। तो यार शिवम भाई, थोड़ा कुछ सोच समझ के बोला करो यार। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने रोनाल्डो फैन बेस के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।